मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के मृत शरीर को वापस लाने के लिए किसी दूसरे जवान की जिंदगी खतरे में डाली जाए। ये तब के आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक की आंखों में आंखें डालकर दिया गया एक माँ का जवाब था। माँ जिसके बेटे का चेहरा ठंडा मुखौटा बनकर तुर्तुक की एक चट्टानी पहाड़ी ढलान पर खुले आसमान के नीचे 43 दिनों तक बर्फ से ढका रहा था। कैप्टन हनीफुद्दीन, हिंदू माँ और मुस्लिम पिता की संतान हनीफ, ईद दिवाली मनाकर बड़े हुए हनीफ, धन के आधार पर बटे दो देशों के बीच हुए युद्ध में शहीद हो गए। 11 राजपुताना राइफल्स की तरफ से युद्ध लड़े, जिसका युद्ध घोष है राजा रामचंद्र की जय। दिल्ली में मयूर विहार के एक छोटे से अपार्टमेंट में तब के जनरल वेद मलिक कैप्टन हनीफ की माँ हेमा अजीज को ये बताने आए थे कि वे हनीफ के मृत शरीर को दुश्मन की तरफ से लगातार की जा रही गोलीबारी के कारण वापस नहीं ला पा रहे हैं। इस पर कैप्टन की माँ ने कहा था, जब युद्ध समाप्त होगा तो मैं खुद वहाँ जाकर देखना चाहूँगी कि मेरा बेटा कहाँ शहीद हुआ था। जनरल मलिक ने उन्हें वहाँ ले जाने का भरोसा दिलाया था। माँ ने इस जगह का दौरा किया। वे यहाँ से वहाँ तक यह देखने गई थी कि उनके बेटे ने अपने देश के लिए कहाँ शहादत दी। हनीफ अपनी माँ से मजाक किया करते थे कि माँ के पास उनके लिए वक्त ही नहीं है। इस समय वे अपनी माँ को देखने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थे। ये कारगिल युद्ध की कहानियाँ हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल ज़िले में और LOC पर लड़ा गया था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को बेदखल कर दिया और ऑपरेशन विजय के एक भाग के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर फिर से कब्जा करने में सफल रही। भारतीय सैनिकों ने 3 महीने के संघर्ष के बाद यह जीत हासिल की थी। इसमें भारत के 527 जवान शहीद हुए थे। युद्ध में भारत की जीत की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम किताबी बातें, जिसमें होती है रोज एक नई किताब और उससे जुड़े रोचक किस्से। और इसी कड़ी में आज की किताब है कारगिल, जिसे लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। इस किताब में 8 अध्याय हैं और कारगिल युद्ध के कई संवेदनशील ब्यौरे हैं। रचना ने जनरल बिपिन रावत पर भी एक किताब लिखी है, विहारी ब्रिटेन की फेलो हैं। इसका अनुवाद किया है रंजना सहाय ने। आइए अब कारगिल के इन झकझोरते हुए किस्सों में दाखिल होते हैं। एक युवा अफसर युद्ध में जाने से पहले अपनी सगाई की अंगूठी निकालकर उसे अपने पीछे छोड़ जाता है। युद्ध के करीब 20 साल बीतने के बाद उस युवक के CO याद करते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है अनुज को इस बात का पहले से ही अंदाजा हो गया था कि आगे क्या कुछ होने वाला है। अब इस पद और वह के वर्णन का वक्त आ गया है। युवक हैं महावीर चक्र प्राप्त स्वर्गीय कैप्टन अनुज नैयर और सीनियर हैं ब्रिगेडियर उमेश सिंह बाबा। अनुज CO साहब को अपनी मंगनी की अंगूठी और पर्स सुपुर्द करते हुए पूछते हैं, क्या आप मेरी ये दोनों चीज़ें अपने पास रख लेंगे सर? CO साहब जवाब देते हैं, अंगूठी पहन लो अनुज, इससे तुम्हें और ज़्यादा बहादुरी से लड़ने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन अनुज अंगूठी छोड़ने की बात पर अड़े हुए हैं। वे फिर कहते हैं, मैं नहीं चाहता ये अंगूठी दुश्मन के गंदे हाथों में लगे, प्लीज़ इसे अपने पास रख लें। अनुज की बात सुनकर कर्नल बाबा भावुक होकर कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हमारे पास वापस लौटोगे, जाओ और अपनी ड्यूटी निभाओ। अनुज ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई। वे एक बड़े पत्थर के नीचे खड़े थे और युद्ध के बीच जब कभी हालात कुछ देर के लिए शांत होते तो आराम करते। वे जान गए थे कि रात के काले साए का फायदा अब उन्हें बहुत ज़्यादा समय तक नहीं मिल पाएगा। इसी दौरान रॉकेट से चलने वाला एक ग्रेनेड उनकी गर्दन पर आ लगा। अनुज ने यह देखने के लिए एक सेकंड को सिर उठाया कि आखिर यह हमला उन पर हुआ कहाँ से। फिर वे मैदान में गिर गए और उनकी आँखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गईं। कैप्टन अनुज नैयर महावीर चक्र से सम्मानित हैं। अनुज की माँ मीना नैयर बताती हैं कि युद्ध के दौरान एक आर्मी अफसर का वहीं जाना हुआ जहाँ अनुज तैनात थे। ऐसे में उन्होंने और अनुज की मंगेतर ने इधर उधर दौड़ भाग कर खूब सारी चीज़ें खरीदी और उसका एक पार्सल बनाया। उसमें शगुन के लिफाफे भी थे जिनमें कुछ पैसे थे। अनुज कभी भी उन पार्सल को नहीं देख पाए क्योंकि वे उस ऑपरेशन से कभी भी वापस लौट कर ही नहीं आ पाए। CO साहब ने पर्स और अंगूठी लेते हुए अनुज को एक वायदा दिया था, मैं तुम्हारी ये चीज़ें अपने पास सुरक्षित रखूँगा। ये वायदा पूरा किया गया था। अनुज की माँ बताती हैं, पार्सल अनुज के कफन के साथ हमारे पास वापस भेजा गया
साथ में अनुज की सगाई की अंगूठी, घड़ी और पर्स भी था। हम आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि गैलेंट्री अवार्ड साल में दो बार दिए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर। इनका क्रम है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। किताबी बातें में अब बात उस किस्से की जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सरकार को चिट्ठी लिखकर एक कैप्टन की बहादुरी का जिक्र किया। इसी सुझाव के बाद कैप्टन कर्नल शेर खान को उनकी मौत के बाद निशान हैदर से नवाजा गया। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जैसे हमारे यहाँ परमवीर चक्र है। उनके यहाँ निशान हैदर है। शेर खान ने टाइगर हिल के कब्जे को लेकर हुई इस लड़ाई में देह के अंत तक राइफल थामे रखी थी, लेकिन पाकिस्तानी फौज इस बात को स्वीकार तक नहीं करना चाह रही थी कि कैप्टन कर्नल शेर खान LOC के भारतीय हिस्से में लड़ते हुए मारे गए। बाद में जब इस पाकिस्तानी युवा अफसर का शव दिल्ली ले जाया गया और कैप्टन खान के रिश्तेदारों को दिल्ली भेजने को कहा गया ताकि वे उनके शव की पहचान कर सकें, लेकिन पाकिस्तान ने इसके लिए कहते हुए इनकार कर दिया कि भारत पहचान के लिए कैप्टन खान के शव को पाकिस्तान भिजवा दे। दो सप्ताह बाद उनका शव अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के सुपुर्द कर दिया गया। उनके कफन पर चारों तरफ पाकिस्तानी झंडा लपेटा गया और उसे इस्लामाबाद पहुँचाया गया। 3 महीने बाद पाकिस्तान के तब के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने स्वीकार किया कि कैप्टन शेर खान निसंदेह कारगिल में ही मारे गए। अब मानवता के दूसरे छोर बर्बरता की एक वानगी देखिए। मुझे सौरभ को पहचानने के लिए उनका चेहरा दिखाया गया जो इतनी खराब हालत में था कि पूछिए मत। सौरभ के चेहरे पर उनकी भूखों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। मैंने पापा मम्मी को भी सौरभ का चेहरा नहीं देखने दिया। ये कैप्टन सौरभ कालिया के भाई वैभव का बयान है। कैप्टन सौरभ कालिया, उनके 5 साथियों को पाकिस्तानी फौज ने 22 से ज़्यादा दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। जब उनके शव आए, आर्मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। किताब में दर्ज है कि जवानों के शवों को अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया गया था। उन जवानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उन्हें जलती सिगरेटों से जलाया गया। उन सभी के ज़्यादातर दांत और हड्डियाँ तोड़ी गई थीं। सौरभ की मृत्यु के बाद उनकी माँ विजया कालिया ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। कारगिल से पहले सौरभ ने अपनी आखिरी ट्रेन में बैठते हुए विदा करने आई माँ से कहा था, माँ तुम देखना, एक दिन ऐसा काम कर जाऊँगा कि सारी दुनिया में मेरा नाम होगा। सौरभ का नाम हम सभी को पूरी कृतज्ञता के साथ उम्र भर याद रहेगा। आखिर में एक ऐसा किस्सा जब भारतीय सेना के जवानों ने अपनी ही फौज से उन पर तोप के गोले दागने के लिए कहा। बटालिक की बंजर ऊंचाई पर 14 पैराट्रूपर चारों तरफ दुश्मनों से घिर गए हैं। वे अपने साथियों को खुद अपने ही ऊपर बोफोर से फायरिंग करने के लिए कहते हैं। कैप्टन BM करियप्पा रेडियो सेट से एक मैसेज भिजवाते हैं, दुश्मन हमसे केवल 40 मीटर की दूरी पर है, हम गिनती में उससे काफ़ी कम हैं और हमारा गोला बारूद भी ख़त्म हो रहा है, हमें अपने ही ऊपर गोलीबारी करवानी है। एक बार फिर सोच लो, तुम खुद पर गोलीबारी करने को कह रहे हो। अब की बार आवाज़ दूसरी तरफ से आई। ये बैटरी कमांडर ऑब्जर्वेशन पोस्ट मेजर गुरप्रीत मधोक थे। उनका काम था जरूरत पड़ने पर तोपों की गोलीबारी के निर्देश देना। मेजर गुरप्रीत ने कैप्टन कैरी से यह आशंका जाहिर की कि तुम लोग भी इसमें जिंदा नहीं बचोगे। कैप्टन ने कहा, सर वैसे भी हम किसी भी कीमत पर नहीं बचने वाले, हमारा गोला बारूद खत्म हो चुका है, मुझे अभी गोलीबारी चाहिए, बस कुछ ही मिनटों में हमारा दुश्मन हम तक पहुँच जाएगा। चिड़चिड़ाए कैरी चारों तरफ हो रही गोलीबारी की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हैं, ये हमारे निर्देशांक हैं सर, रोजर कुछ ही मिनटों में तुम्हारे ऊपर गोलीबारी शुरू हो जाएगी, अगर हो सके तो कवर ले लो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, गुरप्रीत ने कहा। कैरी ने अपने लोगों को फायरिंग से रोक दिया। तोपों से बरसते गोलों का शोर शराबा इतना ज़्यादा था कि कुछ देर के लिए सिपाहियों की सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे हालात में दुबले पतले क्रॉस कंट्री धावक बस्ती राम बिश्नोई ऐसी गालियां बक रहे हैं मानो उनकी गालियों की शब्दावली की परीक्षा ली जा रही हो। उसे सुनकर घनी काली और ऊपर की तरफ उठी मूछों वाले सूबेदार दरबान सिंह इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं मानो किसी ने कोई चुटकुला सुनाया हो। कैरी आधी अधूरी हंसी के साथ वहाँ खड़े हैं। आखिरकार जब तोपों का हमला बंद हो गया तो पहाड़ों पर भयावह शांति छा गई और फिर जवानों ने एक एक करके कवर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। कैरी को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि उनके सारे 14 के 14 जवान जिंदा थे। युद्ध अपने साथ विभीषिका लेकर आता है, एक त्रासदी जिसकी टीस आने वाले वक्त में सालती रहती है। हम साहिल लुधियानवी की एक नज्म के साथ आपसे विदा लेते हैं। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी,
इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। आपके लिए एपिसोड लेकर आए थे हमारे साथी दीपक तेंगुरिया। देखते रहिए द लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।